तस्वीर सामने आई है। जी हाँ, ये तस्वीर जिले के पथिया नगर की है, जहाँ समय पर इलाज नहीं मिलने से एक माँ ने दम तोड़ दिया और बेटा अपनी माँ की शव को घर तक ले जाने के लिए घंटों तक एम्बुलेंस का इंतजार करता रहा। लेकिन जब एम्बुलेंस नहीं मिली तो थका हारा बेटे ने ही ठेले पर माँ का शव रखा और ढकेलते हुए घर ले गया। जिले के पथरिया नगर के वार्ड नंबर 6 में रहने वाली रितिका उर्फ कलावती विश्वकर्मा को उनका बेटा और परिजन स्वास्थ्य केंद्र गंभीर हालत में लेकर गए। उनकी मां को तुरंत इलाज की जरूरत थी, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में इलाज नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि मां की अस्पताल में मौत हो गई। मां की मौत के बाद बेटा और परिजन शव घर ले जाने के लिए घंटों तक सरकारी एम्बुलेंस का इंतजार करते रह गए, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली। प्राइवेट एम्बुलेंस से बात की तो उसने महज 2 किलोमीटर तक शव ले जाने के लिए 5,000 रुपए की मांग कर दी। परिजन आर्थिक तंगी की वजह से प्राइवेट एम्बुलेंस का खर्च उठा नहीं सके। थक हार कर बेटा और परिजन हार ठेले पर ही शव लेकर घर लौट आए। परिजनों का आरोप है कि महिला को समय पर उपचार नहीं मिला। घंटों तक वह अस्पताल में डॉक्टर का इंतजार करते रह गए। कुछ देर बाद डॉक्टरों ने ये कहकर भगा दिया कि वो COVID-19 केयर सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसके चलते मरीज का इलाज नहीं कर पाएंगे। महिला की हालत गंभीर थी, बावजूद इसके डॉक्टरों ने कोई उपचार नहीं किया। यही कारण है कि इलाज के अभाव में महिला की दर्दनाक मौत हो गई। कोरोना काल में ऐसी तस्वीरें आईना दिखा रही है। सिस्टम की नाकामी के कारण लोग असमय काल के गाल में समा रहे हैं और अब हालत ये बन रही है कि गरीबों के लिए शव को भी ठेले पर ठोकर ले जाने की मजबूरी बन गई।